आप रामायण से सुने, सर पर गौर रहे, सर में भाव है स्वार्थ की श्रृंखला में सिमट कर सभी अपने पानी का कुर्बानी कर देते हैं। पाक इंसानियत को कुचल कर गयू, पाप से निज घड़ा दुष्ट भर देते हैं। ना सहनशीलता सा कोई अस्त्र है, द्वेष निंदा के सर को जो कर दे कलम, गर्व से ज्ञान गरिमा का होता बिले, मिथ्या संसार में डाली माया भरम। एक तर्ज मिलल गजल के बोल हो कि ऐ मुसाफिर भटकते हो क्यों दर बदर, दोनों आलम करहे बर मदीने में है। गाने के अंदर भाव मिलल तुम किसी को अगर मारना चाहते, निज अहंकार का वीर कर दो कतल। कहना बा कि ना मिलेगी सजा फिर मजा, ना मिलेगी सजा फिर मजा। अहंकार मिट जाई तो तुम किसी को मानवता से मार सकते हो। तो कभी के कहना बा कि ना मिलेगी सजा फिर मजा ही मजा, खुद को बदलो जमाना जाएगा बदल। मदमस्त जवानी में हो जाता है गरूर, लेकिन घमंड एक दिन होता सभी का चूर। जम कर चिटी की पाख देती मौत का संदेश, बाली का बल यजमाने एक दिन चला लंकेश। वह डाल सका धूल ना बाली की आंख में, बाली उसे दबाया छह महीना काख में। बाली उसे दबाया छह महीना काख में, बाली उसे दबाया छह महीना काख में। एक दिन रावण के घमंड हो गए और उसने अपने घमंड के बस में होकर के बाली का बल अजमाने के लिए चल दिया। जब बाली के पास पहुंचता है तो आवाज दिया कि ए बाली, अगर मर्द बनते हो तो आज मुझसे लड़ ले। बाली कैलेश का कि तुरंत जन उतार खींच के लप देना रावण के अपने काखी में दबा ले। छह महीना दबोले रह गए, लेकिन तब का भेल कि मौका मिला रावण पर आया लंका नगर में। पूछी है मदोदर कि किसको जीते समर में, बोला रावण बाली मेरा कचुमर निकाला। सारा बयान सुन रहा था रावण का साला, मैं दानव का बेटा जिसका माया भी नाम था। वो भी रावण की तरह गर्व गर्व का गुलाम था। जब मैं दानव कलरिका मायावी जब सुनत की ओ हो रावण का साला रहल, रावण का साला मायावी रहल जब सुनलेस, कलस करे बाप रे बाप, हमरे जीजा के जन बाली छह महीना कांख में दबा लेलस। तो वह भी घमंडी आदमी रहल, सोचस कि अब चली हम अजमाई की कैसन जन बाली हो बा। चल दिलस अजमाओ बदे के। यहाँ एक तर्ज मिलल, तर्ज का बोल बा एक लाइन पढ़ के कि बोहरिया पढ़ो मेलावा में, बोहरिया पढ़ो मेलावा में, बलमुआना भेटायो बोहरिया पढ़ो मेलावा में। गाना के अंदर भाव मिलल क
की गढ़िया चलल सागर के, अरे गढ़िया चलल सागर के, खावे गराई हो गढ़िया चलल सागर के। सरिता के जोरावा किनारवा ओरा गईले, सेरावा से करे खर गोसावा धिठाई हो गढ़िया चलल सागर के। चलल सुतल जमाओ बदे के माया भी चलल, लेकिन भैल का तर्ज यहाँ भी बदल गल। तर्ज मिलल वही शारदा सिन्हा के आवाज में जो ना आप लोगों के पहले सुनौले रही, कि अपने बलमा की अपने दुल्हा की अपने पगला की अपने मुरहा की जगावे सावर गोरिया चूड़ियों से मार मार के। गाना के अंदर भाव मिलल, हस्ता घमंड में हो हस्ता घमंड में हो दाना दुराचरिया दोहरिया में जोर जोर से। किसकिंधा पर्वत पर आया वह दाना बलदाई, एक साथ बैठे जहवा बाली सुग्रीव दोनों भाई की गर्जन गर्जन लगा माया भी वीर बल करिया दहरिया में जोर जोर से आवाज दिया। यह बाली अगर मर्द बनते हो तो आज मुझसे लड़ ले, तेरी के अंदर भाव मिलल, कि अरे समर में लड़ने वाला ना कोई ठोका ठोका ताल माया भी दस कंदर का साला, समर में लड़ने वाला ना कोई ठोका ताल माया भी दस कंदर का साला, समर में लड़ने वाला ना। दानव की सुन के बतिया तब बाली लगा निज क्रोध संहारन, धीर बलि बिकराल महाकपि आपस में किए सोच विचारन, नाहक सोर मचावत है अरि चाहत है खुद प्राण विसारन, पाप ही आप ही खात सदा तब वीर चले रन दानव मारन। सुग्रीव से बाली कहलन कि भैया ई तो देखत कि कोई दानव आ गए, कहलन कि तू इतना बैठा तनी हम देखी कौन हो। जब बाली आगे बढ़लन तो देख रहा है कि कोई दानव है, आवाज दिया कहा क्या क्या कि बघावा से अरे सेरावा से सेरावा से लड़ी का सियार हो जोरावा बेकार होई है बाबू। बाली कहा तो कहा क्या, अधेरी गुफा में घुस गया दानव जाई, घुस गए बाली सुग्रीव को चेताई कि जोरावा बेकार होई है बबुआ, अरे 15 दिना करी है इंतजार हो जोरावा बेकार होई है बबुआ। कहलन
कि एक बात हो, सुग्रीव से बाली कहें कि भैया 15 दिन हमारे इंतजार करें, अगर 15 दिन के अंदर हम ना आए तो समझ लिया कि भैया मर गए। और हम तरी देखी कि दानव कहां तक जाई, भाग रहा है दानव, आगे आगे भाग रहा है, बाली पीछा करते हुए दौड़ा रहा है। लेकिन जब कोनो गुफा के अंदर घुस गल, बाली भी पीछे पीछे पीछा कर चलत हो। 15 दिन बीत गल, लेकिन जब 15 दिन के अंदर ना लौटलन भैया, तो सुग्रीव सोचलन कि 15 दिन अपने तरफ से भी इंतजार के लिए। वाह, 15 दिन यो बीत गल, कुल 1 महीना समय बीत गई। तौने में जन बाली वापस ना आइलन, तो सुग्रीव आए के अपने भौजी से का कहत हुए, का हो तारा के सामनावा रोवला सुग्रीवा जाई, कैसे के बधाई हम सबुरावा ए भौजी, भैले लड़ैया में भैया सपनावा हो, तोहर धोवायल से धुरावा हे भौजी। 15 दिन कहलन 1 महीना जोहली रहिया हो, फिर भी देखायल ना चेहरावा हे भौजी। मंत्री कहे तारा से सुग्रीव के बनावा राजा, होई है गरीबी में गुजरावा हे भौजी। मंत्री महोदय तारा को समझाए कि भाई अब राजपाट कैसे चलेगा, वाह अब तो बाली नहीं है, लेकिन आप एक काम करें कि सुग्रीव को राजा बनावे और राजपाट चले। उस दिन से सुग्रीव राजा हो गए। तो आगे बात मिलल, हाँ अरे राजा बन सुग्रीव किए तब नाज ताज सर बाधल बा, किस किंधा पर गूजन लगी आवाज ताज सर बाधल बा, राजधानी गया हो, सिंहासन के ऊपर उस दम सुग्रीव को तब पाई हो। जब लौट कर वापस आए तो देखे सुग्रीव राजा बन के बैठा है। सुग्रीव राजा बन के बैठा है, कहने लगा बाली कहता, रे पापी तूने यही समय का इंतजार कर रहा था कि भैया जब मर जाएंगे तो मैं राजा बन जाऊंगा, कान खोल कर सुन ले, बिना मारे तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे बाली कहे कि नाया वाले लाज ताज सर बाधल बा, बिन मारे ना तोहके छोड़ब आज ताज सर बाधल बा। कहता है पापी आज मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रमाण आल्हा के अंदर मिलल, समान कोई ना दोस्त दुनिया में। यहाँ भाई के विषय में उपमा देवल गई हो, कि भाई के समान कोई ना दोस्त दुनिया में। हाय अरे भाई के समान नहीं बड़ी सन सारा। भैया कहना बा कि जवन भाई बहिया पूजावे रनवा में, ओ नहीं के मारल चाह बाली बदकार, छोड़े भावनावा, अरे ऋषमुख पर्वत पर रहे मन
भाई के डर के मारा सुग्रीव वहां से चल दिए, किष्किंधा पर्वत से चल दिए, पहुंचे कहां, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां सोचे कि मैं यहां रहूंगा तो बच जाऊंगा, अपने जान के लोभ में मोहब्बत में वही सुग्रीव पहुंचे, लेकिन भैल का, अरे ऋषिमुख पर्वत पर रहे मन मार, जहां मतंग मुनि के पावन कुटिया पर गया नहीं बाली रखा था भाई का नार, काहे वहां नहीं गल। जब सुग्रीव वहां चल दिलन तो अपने भाई का औरत रख ले गल नहीं वहां जन हो, कारण एक बात करहल कि मुनिवर मतंग की हो पावन कुटिया में, अरे लाश दुंदुभी दानों का फेंका था बाली मार, मुनिवर मतंग के कुटिया पर एक बार बाली जन हो दुंदुभी दानों के मार के ओकर लाश जन हम मुनिवर मतंग के कुटिया पर फेंकले रहे। वही दिन से मुनिवर श्राप दिए कि आज से अगर ऋषिमुख पर्वत पर आ जाओगे तो जलकर राख हो जाओगे। यही कारण वहां गए ना, आई बात सुग्रीव के मालूम रहल, लेकिन भैल का, अरे ऋषिमुख पर्वत पर आए उसी समय श्राप दिए मुनि बाली को, अरे ऋषिमुख पर्वत पर यही बात जल के हो जाइबा खंखार, कुछ साथियों के साथ वहां सुग्रीव जाई रहल बिपातिया में दीना जाया। भैया आसिया के खोजत राम लखन जब अला, अरे ऋषिमुख पर्वत पर भैली दीदार। भगवान राम जो है सीता जी को खोजते हुए वही ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, पूछने लगे जब सुग्रीव को देखे तो कहने लगे कि भैया कहीं सीता जी के देखला, तो सुग्रीव का कहलन कि रही रही विपत्तिया कहला सुग्रीव जी, कहे महाराज एक बात यह कि आप औरत हरा गए, लेकिन हमरो एक निवेदन बा कि पहले हमार कुल दुख सुन ला ओकर बाद तब हम आपको मदद करब। कारण पूछने लगे कि क्या बात है, तो सुग्रीव बतौलन कि हमार औरत हमार भाई रख ले, कहलन भाई कहाँ, कह कौन है, कहो मेरा बड़ा भाई है उसका नाम बाली है। वाह, भगवान कहलन कि चलो पहले मैं जो है तेरा मदद करूंगा। सुग्रीव से कहलन कि चल के बाली से लड़े के पड़ी तब हम जन तुहार मदद करब। वो कहलन कि महाराज एक काम ही सुना, कहीं ऐसा न हो के हमके लिया के चलत हुआ और कहीं हमार बाली जन बड़ा भाई देख ले हमके मार दे तो हम जन फिर कैसे जन आपको मदद करब, तो हमके बचावे के भी कोशिश करा, अगर लड़ावत हुआ तो हम लड़ब ठीक हो, लेकिन आप जन हिसाब से काम तनिक करिया। भगवान ताड़े के आड़ में बैठ गए, कहलन कि चला बाली से लड़ा। जब बाली देख ले कि सुग्रीव उहर से आवत हो, आवाज दिले राम पापी कहीं का तू आ गया, तब से सुग्रीव पीछा खींचे लगलन, कहलन महाराज बचावा बचावा बचावा। भगवान कहलन कि मरदबा मरता नहीं तान के, अरे हम बैठले तू तान के मारा जन। जब बाली सुग्रीव दोनों आपस में लड़ने लगे तो भगवान कैले का कि ताड़ के आड़ से हो राम जी मारे बनावा, महाबाली गिर गया धरती पर चिघार। तुरंत जो है ताड़ के आड़ से भगवान बाँ तान के मरलन। जब बाली जमीन पर गिर पड़ा तो रोने लगा, आवाज देने लगा। भगवान वही पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या बात है, लेकिन जब बाली रो रहा है कह रहा है कि महाराज हमसे कौन गलती भइल कि आप हमके बिसराए दिला, और एक भाई के फेर में आप ई ना देखला कि गलती के कर हो, केवल मात्र जन हो आप देखे कि बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं, आप आड़ से होकर बाण मार दिए, ये कहां का नियम है, ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। अगर आप जो है अंतर्यामी भगवान हैं तो निष्पक्ष होकर फैसला लेना चाहिए। बाली कैसे कहा, कवने कारण ना भयल गुजारा भगवन, हम तो बारी भय
सागर हैं, कम से कम आपको सोचना चाहिए। और इस दयारूपी सागर में या इस दयारूपी हृदय में, आपके हृदय में क्या मेरे लिए कोई स्थान नहीं है? बाली रोने लगा, कहा क्या कि दिल में आजा दुखावाता, दिल में आजा दुखावाता, हो तू बाट भारी धोखावा कमार कैला हो के धर्मधारी। महाराज अब मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मात्र जो है यही एक बेटा अंगद और धर्म पत्नी यही तारा। महाराज इन दोनों की देखरेख आपके ऊपर है। वाह, भगवान बाली के करुण आवाज को सुनकर रोने लगे। आहा, भक्त के प्रति ममता और भावना जागती है भगवान को, लेकिन भगवान जो है सोचने लगे कि आज मैंने बहुत भारी भूल किया है। और भगवान क्या कहे, बोले भगवान तुझे कर दूं या मारूं, बाली से कहे कि अगर कोई बात की चिंता है या कोई परेशानी है तो बोलो, मैं तुझे जो है अमर कर सकता हूं। बोले भगवान तुझे कर दू या मारो, बोला तब बाली ताना जाए दा बिसार हो, बोला तब बाली ताना जाए दा बिसार हो, बोला तब बाली ताना जाए दा बिसार हो। बाली कहा, महाराज मरने की चिंता नहीं है, अरे आप धन्य है प्रभु जो आज मुझे आप दर्शन दिए। वाह, कोई चिंता मुझे नहीं है, कह रहा है कि अरे जरा ताजी अरवा आ, जरा ताजी अरवा ना जा रहा भगवान, हम तब बारी भैली सुग्रीव पियारा भगवान, की महिमा होती है। भगवान करते क्या हैं कि बाली को शक्ति देते हैं। बाली तो धरती पर सोया हुआ था और लाचार था, बाढ़ लगा था ऐसा कि बाली लाचार था, लेकिन भगवान जब शक्ति देते हैं तो बाली तुरंत जो है उठकर भगवान का चरण चूमने लगता है। कहता है, महाराज आज मैं धन्य हो गया हूं। तो भगवान रोने लगे और बाली क्या कहा, धन्य भाग्य भैली आज भव सागर से पार हो। कहा, महाराज आज आपको पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन मिल गया, सब कुछ यही है। भगवान बोले कि कोई बात नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन बाली कहा, धन्य भाग्य भैली भव सागर से आज पार हो, जेकरे खातिर जोगी जोग कर हजार हो, जेकरे खातिर जोगी जोग कर हजार हो, जेकरे खातिर जोगी जोग कर हजार हो। देना आज भक्ति का सहारा भगवान,
भगवान जो है बाली को आशीर्वाद दिए और सुग्रीव अंगद तारा को साथ लेकर चल दिए। ये भगवान की महिमा रही, बड़ी कृपा भगवान की होती है और कि बाली भी जिनका दर्शन पाकर तर गया। तो ये कहना एक बात का है कि सच्चे दिल से अगर लगन है तो प्रभु जरूर मिलेंगे। ये भवसागर, ये संसार माया की, माया का संसार है, माया के संसार में माया की रचना होती है। तो भवसागर से पार होने के लिए भगवान को याद करना चाहिए। आ गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल जी गा के स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी बचल से प्रेम लगा के